अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। किसान के कर्ज माफी को लेकर भाजपाई उतरे खेत में। बंसीधर नगर किसानों का कर्ज माफ करने, किसानों द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान तत्काल कराने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को भाजपा मंडल शहरी के कार्यकर्ताओं ने अहिरपुरवा, पुरैनी व जंगीपुर ग्राम में खेत व खलिहान में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार किसान विरोधी रवैया अपना रही है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि धान का बिचड़ा करने का समय आ गया, लेकिन अभी तक किसानों के द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने किसानों के हित का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चालू किया था, जिसे हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार इस योजना को चालू करे। विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार किसान विरोधी है, इस सरकार से किसानों का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बचे हुए धान क्रय के लिए क्रय केंद्र शीघ्र चालू करे, किसानों को खेती के लिए खाद बीज उपलब्ध कराए, सभी किसानों का ऋण माफ करे तथा किसानों के नष्ट गर्मा फसल का मुआवजा तत्काल भुगतान करे। प्रदर्शन करने वालों में कार्यक्रम के प्रभारी संजय यादव, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, विभूति भूषण चौबे, शहरी मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क, शैलेश शुक्ला, नंद किशोर प्रसाद, संतोष कुमार चंद्रवंशी इत्यादि लोग मौजूद थे। आज हम लोग आज किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किए हैं। हम लोग क्या कहेंगे, किसानों के साथ हम लोग इन लोगों के समस्याओं के साथ रूबरू होने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसके पहले हम लोग एक दिवसीय वर्चुअल धरना दिए थे। सरकार किसानों पर ध्यान देने रही है, धान फसल खरीदा गया नहीं अभी तक, उसका जो खरीदा भी गया है उसका भुगतान अभी नहीं मिला है। धान रोपने का समय आ गया है, किसान को अविलंब अगर भुगतान नहीं किया जाएगा तो लोग आगे खेती करें किसे करें। किसानों को कितना परेशानी हो रही है, किसानों की परेशानी है। मुख्यमंत्री किसान योजना है, सरकार यहाँ बंद कर दी। प्रधानमंत्री सम्मान योजना है, एक चल रहा है, बाकी कोई योजना नहीं है। सबसे मुख्य फसल धान है, धान रोपने का समय आ गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। इस बीच में शादी ब्याह का मौसम था, किसान किस प्रकार गुजरा होगा वो वही समझ रहा है।